हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके तो क्वेश्चन नंबर 11 तक जो कि हमारे क्वेश्चन बाकी थे चैप्टर सेकेंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 ट्रिग्नोमेट्री 1 के, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड, ठीक है। तो ऐसे आपने देख ही लिया होगा, थंबनेल में सर्च किया होगा तो भी ये किया होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। अब यहाँ देखो हम टू प्रूव वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, तो ये साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, गलती से 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मत लिख देना, या ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर लगेगा, ठीक है। और ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। चलिए फिर आगे सॉल्व करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए बच्चा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझ रहा है, दिख रहा है क्या? वो बहुत ऊपर हो गया क्या? नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है थोड़ा सा नीचे खींच लेते हैं, ऊपर का बोर्ड नहीं दिखता है थोड़ा सा, एक मिनट, ठीक है, अब दिख रहा है। चलिए अब देखो ये इन दोनों का तो एडिशन होके 1 हो गया, ये प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो 1 प्लस 1 2 कॉस थीटा, ठीक है, सही है ना, सही है मेरा। हाँ अपॉन में सर, अपॉन में तो लिखा ही नहीं आपने, ये रह गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये रह गया था यार, इसके बिना तो सॉल्व ही नहीं हो सकता वो क्वेश्चन, वही तो सोचूं मैं वो क्यों नहीं रहा अब तक। ठीक है अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ साइन थीटा और ये कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया तो क्या आया 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो 2 अपॉन साइन थीटा 2 कोसेक थीटा, ये हो गया आर एच और एस, ठीक है, बहुत ही आसान है, हो गया सॉल्व, ठीक है। तो नोट कीजिए पहला क्वेश्चन कतई इजी, ठीक है, नोट कीजिए 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलिए अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33, ओके, क्वेश्चन नंबर 33 यानी 8 टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है, ये भी बहुत आसान है, ये आप खुद से कर सकते हैं, इतना आसान है, टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने 10th में भी किए थे, तो इसे कुछ नहीं कॉन्जुगेट करना है, सेक थीटा प्लस 1 ऊपर और नीचे भी सेक थीटा प्लस 1, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। अब देखो टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो ए ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 थीटा, 1 का स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1, ठीक है, टेन थीटा इन ब्रैकेट सेक थीटा प्लस 1, तो ये क्या आया देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे ये जरूरत भी नहीं लगाने की, सॉरी टू से ये लगाना भी नहीं है, ऐसे हो जाएगा सॉल्व, ठीक है, बहुत ही आसानी से, इसे कॉपी कर लो ना क्योंकि ये तो कटने वाला है आखिर में, नहीं ये लगाना पड़ेगा, सॉरी लगाना पड़ेगा, ठीक है, जरूरी है ये क्योंकि देखो देखो एक मिनट, जरा देखो sec square theta माइनस 1 होता है tan square theta, ठीक है, और यहाँ tan नीचे है ना तो लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो 1 प्लस tan square theta इज इक्वल टू sec square theta, तो ये 1 माइनस सॉरी tan square theta इज इक्वल टू sec square theta माइनस 1, ठीक है। तो बस अब दिमाग ही क्या लगाना है, ये हो गया फिर tan, यहाँ का और यहाँ का एक tan खत्म, तो यहाँ आया tan थीटा नीचे तो sec थीटा प्लस 1
अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू आर एच एस, यही तो प्रूफ करना है। ठीक है, देखो हो गया प्रूफ। ठीक है, नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अब इसके बाद सिर्फ हमारे 4 क्वेश्चंस रिमेनिंग और फिर खत्म है ना, बस ये खत्म, फिर चैप्टर के एक्सरसाइजेस खत्म। तो ध्यान देना भैया। हाँ, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वहां टैन था, सेक था, यहाँ कोसेक है, कॉट है। फॉर्मूला वही यूज होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, उसका ये वाला फॉर्म यहाँ यूज होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये कहाँ से आएगा? इसको लाने के लिए आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। तो ये मैं आपसे आप करेंगे उम्मीद करता हूँ। अगर आपको नहीं आया तो जस्ट कमेंट मैं करके दे दूंगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। हो गया वो नोट, मैंने ये करने को बोला था मैंने। ठीक है, चलिए अब अगला 35। आदत पड़ गई ना, नोट करो, नोट करो करके। ठीक है, 35। तो सेक 10th नंबर का ये क्वेश्चन, पेज नंबर 35। सेक ए प्लस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। देखो यहाँ एल एच एस, तो सेक वगैरह है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ सेक ए प्लस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, सेक स्क्वायर ए प्लस सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर, ये आ गया पहले तो। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ सेक स्क्वायर ए की जगह हमें टेन स्क्वायर ए चाहिए। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक की जगह लिख लो। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखो कैसे हुआ, क्या हुआ, एक मिनट बताता हूँ, नहीं समझा तो आपको फॉर्मूला नहीं आता, आपको समझ नहीं आ रहा मतलब। प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर, और वही तो प्रूफ करना था। अब आप बोलोगे सर टेन स्क्वायर उधर से है मेरे भाई, 2 प्लस 3 कर बारह और 3 प्लस 2 कर, दोनों में आंसर 5 आता है, सेम ही है। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ हमने a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी मैंने बताया था आपको, ध्यान दिया करो, रुक जाया करो, थोड़ा देख लिया करो। मैं बताता हूँ आगे, क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, पहले सॉल्व कराता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जिसको समझ रहा है वो जोर दे दिमाग में। ठीक है, फिर ये सेक का फॉर्मूला होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको यूज करने और आपका आंसर आ जाएगा बच्चा, हैशटैग यूजफुल। ठीक है, चलिए तो आशा करता हूँ आपको समझ गया होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नोट कीजिए 1, 2, 3। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 36। ओके क्लियर। अरे बाप रे, कोसेक का पावर 60 था, बहुत ही डिफिकल्ट है यार, कैसे होगा कैसे होगा। अरे बहुत आसान है, देखो मैं बताता हूँ। एल एच एस इज इक्वल टू 1 है और क्वाड दिया है ना, मुझे कोसेक दिया नहीं है कहीं भी, मुझे कोसेक में जाना है ना, तो दिमाग लगाओ। 1 प्लस 3 कोसेक का पावर 6 है। ठीक है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं कोसेक स्क्वायर का क्यूब या कोसेक क्यूब का स्क्वायर, तो मुझे यहां से एक चीज याद आ रही है, एक फॉर्मूला। देखो ए प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब या फिर ए माइनस बी होल ब्रैकेट क्यूब, इसमें से एक लगेगा। ये होता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी, ये प्लस माइनस का फर्क होता है, बाकी सब सेम। कहीं ये तो नहीं लगेगा, एक बार जरा चेक करता हूं। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या सारी चीजें कोसेक में ला सकता हूँ? हाँ, कॉट को लिख सकता हूँ। कॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 माइनस कॉट कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, सही है? हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके हिसाब से कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है,
सही है। अब देखो यहाँ पे प्लस यहाँ कॉट का पावर 60, अभी फिलहाल मैं नहीं उसे बदल रहा हूँ, देखो रुको जरा, 1 + 3 कोसेक का पावर 4 थीटा, कोसेक का पावर 4 थीटा, 4 थीटा -3 कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉट का पावर 60 है ना, तो कॉट का पावर 60 इसे कोई जुगाड़ कर सकता हूँ मैं, इसका इसका भी कर सकता हूँ, देखो कैसे, यही कर सकता था, कॉट स्क्वायर थीटा का होल ब्रैकेट का क्यूब, ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का होल ब्रैकेट और ये क्यूब, क्या देंगे क्यूब, ठीक है, क्यूब क्यों दे दिया हमने, क्योंकि यहाँ हमने यहाँ भी क्यूब दिया, ठीक है, देखो ये कैंसिल हो जाएगा कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, कॉस कोसेक का पावर 4 थीटा -3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ए क्यूब -3 ए स्क्वायर बी, ठीक है, +3 ए बी स्क्वायर, ठीक है, -b³ मतलब 1 का क्यूब 1, ठीक है, समझ रहे हो ना, 1 का क्यूब 1, यहाँ मैंने पूरा फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ तो ऑलरेडी लगा हुआ था, ठीक है, अब देखो ये और ये मेरे हिसाब से कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये 1 और 1 कैंसिल, यही तो बचा कोसेक का पावर, अरे यहाँ क्यूब, सॉरी सॉरी, क्यूब के साथ यहाँ स्क्वायर भी है ना बेटा, ऐसे कैसे कर दिया आपने, देखो ए ये है ना अपना, तो इसका क्यूब, तो स्क्वायर का क्यूब कोसेक का पावर 6 थीटा, ठीक है, ये आर एच एस, ठीक है, हो गया सॉल्व, ठीक है, नोट कीजिए, आसानी से हो जाता है, सिर्फ ए माइनस बी और ए प्लस बी इसके फॉर्मूले याद कर लो, ये बहुत काम में आते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, चलिए नोट कीजिए, 1, 2 और 3 हो गया, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इट इज 12, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है शायद, एक बार इसे दिल से अटेम्प्ट दीजिए, ठीक है, 3 सेकंड तक मैं रुकता हूँ, 1, 2, 3 हो गया अटेम्प्ट करके, एक बार जरा दिल से इसे अटेम्प्ट देना, हो जाएगा भी क्वेश्चन, डिफिकल्ट तो नहीं है, ठीक है, हो गया, ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ बच्चों उसको, ठीक है, अब यही सवाल आपको 10th में आया था, लेकिन इसके जगह ये नहीं था, यहाँ था sec theta into sec theta plus tan theta या sec theta into tan theta था, ऐसा कुछ था, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली sec theta plus tan theta था, ठीक है, x दिया था शायद उसमें। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, वहां मैंने इसे इजी मेथड से करके दिया था, उस मेथड से भी सॉल्व करके मैं इसे ला सकता हूँ, ठीक है, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आज कुछ अलग ट्राई करेंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ इस क्वेश्चन को देखे बराबर, ये फॉर्मूला याद आता है मुझे, ठीक है, क्योंकि यही जोड़ने वाला है इनको, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी, ठीक है, तो क्या हो गया, ये यही रख देते, ये नीचे लेके जाते, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए हमें, चलो मैं ये यही रखता हूँ और वो नीचे लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है, देखो कैसे दिख रहा है, अब सब सब दिखेगा आपको भी, दिखेगा, रुको जरा, सबर करो, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ से अगर मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाऊ, आपके बचपन में पढ़ा है 9th में, ठीक है, ये आपको 9th के सिलेबस में है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में, लास्ट में, बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो, देखो sec थीटा प्लस tan थीटा -1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, और ये +1 और ये -1, ठीक है, नीचे -1, ठीक है, और यहाँ ये ऊपर, ये भी आप कंपोनेंट और डिविडेंड के हिसाब से 1 - 1 + sec थीटा -tan थीटा, ठीक है, और ये
नीचे ये ऊपर प्लस हो गया, ये माइनस, वन माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, ये ब्रैकेट में, ये काम है ब्रैकेट में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो ये उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक है, ये देखो ये ऊपर है और ये नीचे, देखो यहाँ से, तो ये इनवर्ट एंड लगा दो बाय इनवर्ट एंड, ठीक है, मुझे लगा ये सीधा ऊपर आएगा लेकिन ये एक स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ रही, ठीक है, बाय इनवर्ट एंड उल्टा कर दो, तो ये sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस वन, अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू ये, यहाँ तो ये ऊपर लिखेंगे, ठीक है, वन, एक मिनट देखो, वन माइनस sec थीटा प्लस वन, वन माइनस देखो ये sec थीटा और ये माइनस माइनस प्लस tan थीटा, उल्टा हो जाएगा ना दोनों, तो ये भी उल्टा होगा, अपॉन वन प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखो सेम टू सेम उसी लेवल का आ गया, देखो ये तो हो गया सवाल, ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाए लेकिन हो जाएगा, ये याद रख लेना ऐसे करना है करके, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन दूसरे मेथड से जाओगे लेंदी हो जाएगा, इसलिए ये करके दिया, ठीक है, नोट करो, वन टू एंड थ्री हो गया। तो चलिए बच्चों, यहाँ हमने दोनों एक्सरसाइज खत्म कर लिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, जय हिंद जय भारत।